बहुत ही जरूरी है सुनने, और ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो अमरनाथ यात्रा के गेट की जो टाइमिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। अगर आप गलत टाइम पे जाते हैं या गलत टाइम से आपको पता ही नहीं होता है आगे जाते हैं तो आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं। तो आपको ये हमेशा याद में रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। और पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कौन से स्टेट से आ रहे हैं 2023 में यात्रा पर। अपने स्टेट का नाम ज़रूर कमेंट्स में लिखें, और कौन सी डेट का आपका परमिट कार्ड मिला हुआ है वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं अपना बता दूं, मेरा 5 तारीख का परमिट कार्ड है। परमिट है, मैं बालटाल से यात्रा स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं गेट के, अमरनाथ यात्रा के गेट की जो टाइमिंग है वो क्या रहती है। अगर आप यात्रा शुरू करते हैं, आप अमरनाथ की जो यात्रा है बालटाल से शुरू करते हैं, तो जो गेट की जो टाइमिंग रहती है सुबह सुबह की, जो सुबह आपको 5 बजे का गेट की टाइमिंग है, एंट्री टाइमिंग, आप वहां से 5 बजे सुबह 4 बजे 3 बजे उठ जाइए। बालटाल में जो है कैंप है वहां से उठ जाइए और 5 बजे अपने गेट पे पहुंच जाइए या 4 बजे पहुँच जाइए। बहुत लंबी लाइन लग जाती है और लास्ट जो टाइम है एग्ज़िट टाइम 11 बजे तक की है। 5 से लेकर 11 बजे तक आपको गेट खुला मिलेगा, 11 बजे के बाद में गेट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पहलगाम के रास्ते की। तो पहलगाम में जो गेट की टाइमिंग क्या होती है, 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे। और अगर मैं 2022 की बात करूं तो हम लोग 4 बजे उठ गए थे और काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ा था। तो आप अपने हिसाब से रात को अपने जल्दी सोइए, जल्दी उठिए और अपने जल्दी लाइन में लगिए, आपको आगे जल्दी पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहलगाम के गेट की टाइमिंग है 5:30 और लास्ट जो टाइमिंग है आप लास्ट में जो देख रहे हैं, आप लास्ट जो गेट बंद कर देते हैं ये लोग 10 बजे सुबह, 5 बजे 5:30 बजे गेट खुलता है और 10 बजे सुबह ही बंद कर देते हैं। आगे पहुँचते हैं हम चंदनवाड़ी। तो चंदनवाड़ी का जो गेट है वो 6 बजे खुलता है और 11 बजे बंद हो जाता है। तो कभी भी अगर आप पहलगाम से जाते हैं तो 11 बजे आपको पहुँचना होता है चंदनवाड़ी। तो आपने 11 बजे तक उसी हिसाब से उठें, उसी हिसाब से चलें जो कि आप 11 बजे चंदनवाड़ी पार कर लें। तो चंदनवाड़ी पार कर लेते हैं आप, तो अगला हमारा जो गेट पड़ता है शेषनाग का। अगर आप शेषनाग में रुकते हैं रात को, तो रात को जैसे रुकते हैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे गेट खुल जाता है और लास्ट 2 बजे तक खुला रहता है, ठीक है जी। सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुला रहता है। तो ये है शेषनाग गेट की टाइमिंग। और उसके बाद में अगर हम बात करें पंचतरणी की, पंचतरणी की अगर हम गेट की बात करें, ये रहा पंचतरणी का, 5 बजे सुबह खुल जाता है, उसके बाद में हमारा 3 बजे जो ये जो गेट है वो बंद हो जाता है। उसके बाद में आगे आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप उससे पहले जाते हैं तो आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं शिव जी के। और जैसे कि होली कैब का जो टाइमिंग है वहाँ पर आप कब तक दर्शन कर सकते हैं, आप दर्शन करने का जो टाइमिंग रहता है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, ठीक है जी। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आप बाबा बर्फानी जी के दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक नोटबुक में लिख लेनी चाहिए या आप याद कर लेनी चाहिए, अगर आपको याद रह जाती है तो। ये बहुत ही बड़ी जानकारी, बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे रहा हूँ। तो गाइस अगर किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो फिलहाल में इतनी है, थैंक यू, टाटा बाय बाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।